हाल ही में गडकरी धमकी मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि मंगलवार को नितिन गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में एक बार फिर फोन कर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और इतना ही नहीं बल्कि फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसे में अब इस मामले में मंगलोर पुलिस ने आज एक युवती को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। ऐसे में अब इस मामले से जुड़ी एक खबर सामने आई है कि नागपुर पुलिस की एक टीम तुरंत बेलगांव के लिए रवाना हो गई है। इस मामले में नागपुर के धंतोली थाने में जान से मारने की धमकी और रंगदारी का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में नागपुर सहित पूरे देश में सनसनी मची हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय को मंगलवार को एक धमकी भरा फोन आया। गौरतलब है कि महीने पहले उनके ऑफिस में ऐसा ही एक फोन आया था। ऐसे में अब गडकरी को मिली धमकी के बाद राज्य में सिस्टम अलर्ट हो गया है। मंगलवार सुबह नितिन गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय को 3 धमकी भरे फोन कॉल आए। हमलावर ने अपना नाम जयेश पुजारी बताया। एक बार फिर जयेश पुजारी के नाम से गडकरी को धमकी मिली है। फोन पर बात करने वाले 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे थे। इस बीच गडकरी को धमकी देने वाले शख्स ने गडकरी के ऑफिस में फोन कर नंबर दिया। उन्होंने कहा कि इस नंबर पर 10 करोड़ रुपए की फिरौती भेजी जाए। यह नंबर एक युवती का है। यह युवती बेंगलुरु के एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है। जानकारी सामने आ रही है कि उसका एक दोस्त जेल में है। अब युवती को मंगलोर पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। श्री करण कुमार चौहान मुख्य अधिकारी गोंदिया नगर परिषद, इनकी ओर से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जनता के आमदार विनोद जी अग्रवाल गोंदिया विधानसभा क्षेत्र, इनकी ओर से समस्त गोंदिया जिला वासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री विजय भाऊ रहंगडले आमदार तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र की ओर से समस्त जनता को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अग्रवाल ग्लोबल कंपनी देवरी गोंदिया की ओर से समस्त जनता को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।